हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं लावा A1, जिसकी डिस्प्ले वाइट आ रही है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल को ओपन करना है। दोस्तों, मैं वीडियो को थोड़ा सा भी एडिट नहीं करूँगा। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये कीपैड की पत्ती है, इसको हटाना है। उसके बाद में आपको डिस्प्ले को उतारना है। दोस्तों, डिस्प्ले को हटा चुके हैं हम। दोबारा ये डिस्प्ले लगानी है दोस्तों मुझे। दोस्तों, आप इस जगह को देख रहे होंगे, यहाँ हमने पहले से ही साफ कर लिया है। अब इस जगह को आप देख रहे हैं, आपको फोटो में दिखाते हैं दोस्तों पहले कैसा था। पहले इस तरीके का था, अब मैंने खरोच के आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ से देखना, एक लाइन मिस हो रही है। इस लाइन के लिए आपकी डिस्प्ले वाइट आ रही है। दोस्तों, आपको करना क्या है, एक छोटा सा जम्पर करना है। दोस्तों, बताते हैं आपको, ये वाली जो लाइन है ना दोस्तों, इस वाली लाइन को लेके इस यहाँ पर, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आई है और इस तरीके से इधर साइड से यहाँ तक आई है। हमको करना क्या है, एक यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक एक जम्पर करना है। 100% सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों। देखो, आपके सामने मैं करके दिखाता हूँ। मैंने एक जम्पर वायर को लिया दोस्तों, इस तरफ जम्पर हो चुका है दोस्तों। अब दूसरी तरफ करते हैं। ये आपको रजिस्टर लगा दिखाई दे रहा है दोस्तों, कैपेसिटर से बगल से पॉइंट था दोस्तों। मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ जम्पर, आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। जम्पर हो चुका है दोस्तों। अब आपको हम डिस्प्ले लगा के दिखाते हैं दोस्तों, देखते हैं समस्या का सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। आशा करता हूँ दोस्तों समस्या का सॉल्यूशन हो जाना चाहिए इतने में।
दोस्तों मैं पहले से ही वीडियो ये डिस्प्ले लगा के देख चुका था दोस्तों, काफ़ी टाइम लगा हमको ये सॉल्व करने में, इसलिए सॉल्व करने के बाद मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो, इसलिए दोस्तों दिखाता हूँ दोस्तों अभी मैं आपको डिस्प्ले लगा के। देखिए दोस्तों डिस्प्ले लग चुकी है, अब आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं ये वायर डिस्प्ले से सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। और देखिए दोस्तों समस्या का सॉल्यूशन हो चुका है, वाइट डिस्प्ले थी दोस्तों, इसमें चित्र आने लगे हैं। आपके पास अगर लावा A1 इस तरीके से फ़ोन आता है, कई डिस्प्ले लगाने पर भी वाइट आती है, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जंपर करना है दोस्तों, आपकी समस्या का सॉल्यूशन 100% हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।